विवादों में फंसी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की ग्लोकल यूनिवर्सिटी को जब्त करने के बाद अब इसकी नींव रखने वाले मालिक मोहम्मद इकबाल पर भी कार्रवाई हुई है। यूनिवर्सिटी पर आरोप लगा है कि यहां एडमिशन के लिए छात्रों से मोटी रकम जमा कराई जाती थी और उन्हें बदले में फर्जी डिग्रियां दी जाती थी। ईडी ने यहाँ छापा मारा और इसे जब्त कर लिया। ईडी की इस कार्रवाई के बाद छात्रों का भविष्य संकट में है। इस कार्रवाई के बाद अब ईडी ने खनन माफिया हाजी इकबाल को दुबई से प्रत्यार्पण कराने की कवायद शुरू कर दी है। ईडी की ओर से विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर मोहम्मद इकबाल के पासपोर्ट को रद्द करने और विदेश यात्राओं की जानकारी मांगी गई है। डीएम का कहना है कि हाजी इकबाल उत्तर प्रदेश के माफियाओं की श्रेणी में आते हैं, उस पर कई मामले दर्ज हैं और लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब 4,400 करोड़ की ग्लोबल यूनिवर्सिटी जब्त होने के बाद उन 4,000 छात्रों का भविष्य संकट में है। ग्लोबल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक यहाँ 100 से ज़्यादा कोर्सेज चलाए जा रहे थे, 200 से ज़्यादा विशेषज्ञों की फैकल्टी है, 4,000 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। ग्लोबल यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट, लॉ, हेल्थ साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, अप्लाइंड साइंस समेत कई विषयों में यूजी पीजी कोर्सेज ऑफर करती है। यहाँ बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए, एलएलबी, बीटेक, एमटेक, एमसीसी, एमएससी, बीए, एमए और एमए, एमएस कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। वहीं बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा और पीएचडी समेत अन्य कोर्स भी यहां के पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। यहां एडमिशन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हैं। कुछ कोर्सेज में ग्रेड और मार्क्स के आधार पर दाखिला होता है तो कुछ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में स्कोर के आधार पर भी मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन लिया जाता है। इसके अलावा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर भी एडमिशन दिया जाता है। 2012 में स्थापित हुई ग्लोकल यूनिवर्सिटी की नींव रखी पूर्व बसपा विधायक हाजी इकबाल ने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दौर ऐसा था जब इकबाल आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। परचून की दुकान खोली लेकिन शुरुआती दौर में असफल होने के बाद दुकान ने रफ्तार पकड़ी। इसके साथ ही शहद बेचने का कारोबार शुरू किया जो चल निकला। धीरे धीरे इकबाल ने राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। बसपा की सदस्य लेने के बाद विधायक का चुनाव लड़ा और जीता भी। खनन का कारोबार खड़ा कर लिया और अरबों की संपत्ति बनाई। इसके बाद 2012 में ग्लोकल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की। यूनिवर्सिटी में अपने बेटे के नाम से चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया। हाल ही में हुई कार्रवाई में सामने आया कि ग्लोकल यूनिवर्सिटी अब्दुल वाहिद एजुकेशनल व चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर है। ईडी के मुताबिक ये चैरिटेबल ट्रस्ट पूर्व विधायक हाजी इकबाल और उनके परिवार द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इकबाल पर खनन से जुड़े कई मामले चल रहे हैं। फिलहाल वो फरार है, बेटा जेल में है। हाजी इकबाल की ग्लोकल यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई के बाद अब 4,000 विद्यार्थियों के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था सरकार अपने हाथों में लेगी या इसे किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट किया जाएगा। ग्लोकल यूनिवर्सिटी के कुलपति पी के भारती का कहना है कि यहाँ करीब 4,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। स्टाफ और स्टूडेंट्स के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन निर्देशों का पालन किया जाएगा जो सरकार की तरफ से जारी किए जाएंगे।